नवी मुंबई नेटवर्क। मिशन ब्रेक द चेन के तहत 14 अप्रैल से 1 मई तक लगे लॉकडाउन के बाद सवाल है दिहाड़ी पर काम करने वाले जरूरतमंद और बेरोजगार मजदूरों के पेट का। इन जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है नवी मुंबई पुलिस और उनके बहादुर पुलिस कर्मियों ने। पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह के मार्गदर्शन और परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े, सहायक पुलिस आयुक्त विनायक वत्स और भरत गाड़े के नेतृत्व में नवी मुंबई पुलिस ने एक तरफ मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था के साथ अब जरूरतमंदों की सेवा के लिए भी आगे आते हुए नवी मुंबई के विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंद कामगार, गरीबों में अन्य धान्य, जीवनावश्यक वस्तुओं और खाने के पैकेट का वितरण कर इस लॉकडाउन में उन्हें बहुत बड़ा दिलासा देने का प्रयास किया है। वाशी पुलिस थाने, बता दें कि वाशी पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा वाशी गाँव में रह रहे जरूरतमंदों को 125 फूड पैकेट का वितरण किया गया। वहीं एपीएमसी पुलिस थाने की अगर बात करें तो पुलिस कर्मियों ने ग्रीन पैलेस होटल के पीछे स्थित झुग्गियों में 125 फूड पैकेट का वितरण किया। कोपेखैरने पुलिस थाने की अगर बात करें तो कोपेखैरने पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों ने बालाजी सिनेमा गृह के पास स्थित झोपड़पट्टियों में जरूरतमंदों को 100 परिवार को 100 अन्न धान के पैकेट का वितरण किया। रबाले पुलिस थाने, बता दें कि रबाले पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों ने पुलिस स्टेशन के पास झोपड़पट्टियों में 100 जरूरतमंद परिवार को 100 अन्न धान्य गोनियों का वितरण किया। रबाले MIDC पुलिस थाने, बता दें यहां पर पुलिस कर्मियों ने पारधी पाड़ा झोपड़पट्टी में 125 फूड पैकेट का वितरण किया। इतना ही नहीं, तुरभे पुलिस कर्मियों ने भी अपने तरफ से जरूरतमंदों को फूड पैकेट का जगह जगह वितरण किया। बता दें कि पिछले मर्तबा जब इसी प्रकार शहर लॉकडाउन की संकट से होकर गुजर रहा था, तब ऐसे समय पर नवी मुंबई में जरूरतमंदों के खान पान मुहैया करवाने का दायित्व नवी मुंबई पुलिस ने बड़े ही सक्षम तरीके के साथ उठाया था। और इस बार जब इसी लॉकडाउन की मार से शहर के घोर गरीब कामगार होकर गुजर रहे हैं, उनके मदद की दिशा में भी नवी मुंबई पुलिस के पुलिस कर्मी सामने आए हैं, जो बेहद प्रशंसनीय और सभी के समक्ष एक आदर्श है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।